मेरा हाथ उसका हाथ आ रहा है मैं फिल्म नीति जी इसके अलावा हमें काफी पता है कि यू एंड योर सिस्टर इज वेरी फूडी. अगर आप यहाँ आए तो कौन सी ऐसी डिश है जो पहले ऑर्डर करवाओ? सो जैसे कि मैं अगर कहीं बाहर भी जाता हूँ, आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ, वहाँ पे मैं प्रिफर करता हूँ इंडियन खाने. लेकिन जहाँ पर भी जाऊँगा खाना मुझे इंडियन ही चाहिए. सो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो आई गेस आलू का पराठा मुझे बहुत पसंद है. आयान, इसके अलावा योर सिस्टर इज डूइंग रियली वेल इन खतरों में खिलाड़ी, काफ़ी चर्चा हो रही है इस सीजन. आपके कोई फैंस ने कुछ चर्चा की, कुछ कहा आपसे, कुछ ऐसे बताया कि फाइनल में कौन जीता? ये सवाल तो पूछते ही होंगे लोग. सब पूछते हैं बट ऑफ कोर्स इट्स कॉन्फिडेंशियल एंड बहुत अच्छा चल रहा है एंड सब मेरे फैंस भी, अपनी के फैंस भी सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सब बहुत पसंद आ रहा है अपने काम टीवी के में. आपका कोई पर्सनल फेवरेट कोई ऐसा टास्क था जो काफ़ी आपको लगा काफ़ी अच्छा किया जन्नत ने? पर्सनल फेवरेट टास्क आई गेस एक टास्क था जिसमें अपनी ने बहुत मेहनत करी थी. सो इलेक्ट्रिक वाला टास्क था एंड अपनी को हमेशा से इलेक्ट्रिक से मतलब कि बहुत खतरों में जाने से पहले भी यही बोल रही थी कि एक ही चीज़ से डर है, दैट्स इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिसिटी से उनको बहुत डर है एंड उसके अंदर वो इतने हीरोइन है कि मुझे यहाँ पे से जब मैं एपिसोड देख रहा था मुझे बुरा लग रहा था कि यार जब अपनी स्टंट कर रही थी इतना हीरोइन तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे इतना मस्ती कर रहा था, मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा था एंड उधर अपनी इतनी मुश्किल से स्टंट्स किए. सो आई गेस दैट इज़ वन ऑफ द स्टंट्स जो कि बहुत टफ था. मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ फैजू थी, एक तरफ जन्नत थी, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? आई वी ऑल नो जन्नत को ही करोगे बट फैजू ने भी वो टास्क काफी अच्छा खेला था. बहुत अच्छा टास्क किया, बल्कि बहुत टफ कंपटीशन था अभी के लिए भी. आई सी वेरी गॉड नो दैट आई वांट टू लव कंटेंट एंड सी मेरे भाई जैसे हो गए मेरे लिए वो भी बहुत क्लोज है लेकिन है तो मेरी बहन ही ना, ऑब्वियसली सपोर्ट तो मैं. आयान, काफी चर्चा आ रही है बिग बॉस की जन्नत जाने वाली, कुछ आप बताना चाहोगे कुछ ऐसा? नहीं, ये एक्चुअली मेरी गलत न्यूज़ है. थैंक यू. चलो.